रेप के एक 20 साल पुराने मामले में ईडीजे कोर्ट ने मकराना के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को 10 साल की सजा सुनाई है। उन पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये रकम पीड़िता को दी जाएगी। फैसला सुनाने के दौरान 86 साल का पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित कोर्ट में नहीं मौजूद था। जैसे ही फैसला सुनाया गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसका मेडिकल करवा कर पर्वतसर जेल भेज दिया गया। ये मामला मकराना की राजनीति में काफी चर्चा में रहा था। हालांकि रेप केस होने के बाद ही भंवरलाल भाजपा से विधायक चुना गया था। मकराना गांव के रहने वाले 22 साल की एक महिला ने लिखी शिकायत के जरिए 1 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 29 अप्रैल 2022 को दोपहर करीब 3 बजे भंवरलाल राजपुरोहित के कुएं पर भीग गई थी। उस दिन भंवरलाल की पत्नी घर पर नहीं थी। कुएं पर पहुंचने के बाद भंवरलाल ने उसे कमरे के अंदर बुलाया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पति से मुंबई बात करवा देता हूं। अंदर जाने के बाद भंवरलाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में महिला ने अपने पिता के साथ कोर्ट में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज हुआ। जांच के बाद पुलिस ने भंवरलाल के खिलाफ चालान पेश किया। रिपोर्ट में बताया गया था कि रेप के बाद महिला गर्भवती हो गई थी, जिसका अबॉर्शन करवाना पड़ा। शुरुआत में तो ये मामला पुलिस ने भी हल्के में ही लिया, लेकिन बाद में इसे मकराना की राजनीति में उबाल आ गया। 20 साल से 21 मकराना के अपर सेशन न्यायालय में चल रहा था। इसमें 7 गवाहों के बयान हुए। मामले में पीड़िता की ओर से अपर लोक अभियोजक राम मनोहर डूडी ने पैरवी की। सुनवाई के बाद एडीजे कुमकुम ने आरोपी को सजा सुनाई।